नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, 2100 पर क्लोजिंग है, इनकी रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट कैसा आया हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, बने रहिएगा। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लेंगे हमें अच्छा लगेगा, हम सिंपली आगे बढ़ते हैं। क्या रिजल्ट अच्छा आया है ये उम्मीद हम सबकी थी, लेकिन हुआ कुछ और है। थोड़ा सा डेंट इनको देखना पड़ा है और ये डेंट सच में बड़ा है, क्योंकि अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ये डेटा सच में हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि इनकी जो टोटल इनकम है 1.5 लाख करोड़ से कम हो गई है। पिछली बार 1.5 लाख करोड़ से 8 करोड़ ज़्यादा थी, 1,50,000 से ज़्यादा, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 1,58,000 करोड़ की। यहाँ पर सीधे 10,000 करोड़ की इनकम कम हो गई, ये बड़ा डेंट है। जी हाँ, ये बड़ा डेंट है। 2020 से कंपेरिजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से कंपेरिजन करना ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से आपको डेंट देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको बढ़त देखने को मिलेगी। बिल्कुल सेम सिनारियो एक्सपेंसेस में बन रहा है। एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस को अच्छे से इन्होंने हैंडल किया है। एक्सपेंसेस के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो 11,000 करोड़ कंपनी ने बचाया है, रेवेन्यू सिर्फ 10,000 करोड़ कम हुआ है, तो यहाँ पर अच्छे से हैंडलिंग हुई है। एक चीज़ देखिएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर इनको 8,863 करोड़ प्लस हुआ है। याद रखिएगा, ये खर्चे का सेगमेंट है और यहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव रहती है कंपनी के लिए, और वही सिनारियो हमको टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस हमको करके दिखाई है, अदरवाइज यहाँ पर भी सिनारियो अलग रहता, समझ गए ना। अब रेवेन्यू में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है हमारे लिए, वो है इनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी को कितना मुनाफा हुआ कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ये आप देख पा रहे हो, जी हाँ, प्रॉफिट देखिए 13,806 करोड़, 15,000 करोड़ से काफ़ी कम है, लगभग 1,200 करोड़ रुपये का मुनाफा कम हुआ, और यहाँ के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ से हम कंपेरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डेंट हमारी इकोनॉमी पर आया था, लॉकडाउन, कम्प्लीटली लॉकडाउन भी झेला था देश ने, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इस रिजल्ट में क्या क्या अच्छा नहीं है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ऑन पेपर हमको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि रिजल्ट के अंदर की बात क्या है। अगर हम प्रॉफिट को देखें और उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर के हिसाब से सिचुएशन को देखें तो यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर एक बड़ा डेंट हमको देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर में। याद रखिएगा, यहीं से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हो, और यहाँ पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अब कंपनी हमको कम कमाई करके दे रही है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो जाएगा, और महंगा होने के बाद कंपनी में एक डेंट हमको देखने को मिल सकता है। किसके तौर पे? प्राइस के तौर पे। बाजार को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा, वही चीज़ आप देख सकते हो, गिरावट आई थी, उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है, स्टॉक अपने लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है। आप खुद समझ सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैसे भी बाजार की थी नहीं कि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा, गिरावट तो आनी चाहिए इस रिजल्ट को देख करके। अन्य चीज़ें हम चलते हैं देख लेते हैं बहुत ध्यान से। अर्निंग पर शेयर अगर आप 19 रुपये से कैलकुलेट करोगे तो 19 × 4 = 76 होता है, और 76 से जब हम डिवाइड करेंगे 2100 रुपये को, ठीक है, 2100 को हम डिवाइड कर लेते हैं 76 से, तो इज इक्वल टू आता है लगभग 28 का इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन ये जिस सेगमेंट में डील करते हैं वहाँ पर 28 का मल्टीपल भी थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन माना जाता है। हम चलते हैं सेगमेंट वाइज इनका रिजल्ट एनालाइज करेंगे, यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा सिनारियो मिलेगा। अगर आप ऑयल टू केमिकल देखोगे, जो कि इनका बहुत बड़ा सेगमेंट है, इवन सबसे बड़ा सेगमेंट है, यहाँ पर हमको एक इम्प्रूवमेंट, छोटी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 1,03,000 करोड़ का इस बार इनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है यहाँ से, 1,01,000 करोड़ के मुकाबले। ऑयल एंड गैस बिजनेस में इनको एक बढ़िया जंप देखने को मिला है, लेकिन निराश किया है रिटेल सेगमेंट ने, 38,000 करोड़। इनकी फाइट भी चल रही है अमेजोन के साथ, और यहाँ पर सीधे 9,000 करोड़ का आपको डेंट देखने को मिलेगा, साफ साफ डेंट आपको देखने को मिल रहा है रिटेल सेगमेंट में। तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी आई हैं यहाँ पर, और कंपनी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, जिस पर सबकी नज़र होती है, डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो और जियो फाइबर पे। 23,400 करोड़ का रेवेन्यू 22,600 से थोड़ा सा जंप, हमको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। आरपू अगर बढ़ा भी है तो बहुत कम बढ़ा है, हम आरपू पे डिस्कशन बाद में करेंगे। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट वहाँ पर दिखाई दे रहा है, अदर्स
में भयंकर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। 20,000 करोड़ से सीधे 12,000 करोड़ पे इनका रेवेन्यू आया है अदर सेगमेंट से। अब इसको हम अगर जून 2020 से कंपेयर करें तो हमको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, हर जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, लेकिन फिर वही बात कि यहाँ से कंपेरिजन बनता नहीं है। अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये हम देखेंगे सबसे बड़ा फ़ायदा इनका 12,200 करोड़ का आया है। कहाँ से? O2C से। उसके बाद ऑयल एंड गैस से 797 करोड़ का मुनाफा आया है। रिटेल सेगमेंट से 2,000 करोड़, डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो से 9,200 करोड़, फाइनेंशियल सर्विसेज से 132 करोड़ और अदर्स से लगभग 1,500 करोड़, 1,400 करोड़। तो यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट है टैक्स से पहले वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने वही हिसाब से परफॉर्मेंस दी है जो रेवेन्यू के टर्म्स में है। कुछ खास यहाँ पर बिगड़ा नहीं है, मतलब कंपनी ने खर्चे को ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया है। जो एक्सेप्शनल चीज़ हुई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो अब इस रिजल्ट को किस बेस पे हम लेकर जा सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं इस रिजल्ट से, उसको देखने के लिए हमारे पास दो तरीके की आंखें होनी चाहिए। पहला कि हम शेयर होल्डर हैं, दूसरा हम शेयर होल्डर नहीं हैं। पहला मान लेते हैं कि हम शेयर होल्डर हैं, तो हम इस कंपनी के रिजल्ट को पॉजिटिव वे में इस बेस पे ले सकते हैं कि भाई साहब जियो की परफॉर्मेंस जिससे इनका काफ़ी ज़्यादा भरोसा है ठीक ठाक है। O2C जो सबसे बड़ा इनका बिजनेस है वहाँ पर कंपनी ने हमको कम से कम निराश नहीं किया है, समझ रहे हैं। ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम शेयर होल्डर हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ लगेगी वो है रिटेल सेगमेंट में इनकी परफॉर्मेंस। और कंपनी खुद ही बोल रही थी पिछली बार कि पैंडेमिक के कारण यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कमी है और प्लस जो मार्जिन है वो भी यहाँ पर अच्छे से हमें मिल नहीं पा रहा है। ये खुद कंपनी का कहना था पिछले वाले रिजल्ट में। इस कारण भी हम इस चीज़ को माफ़ी एक बार के लिए कहने को हम दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये होगा नहीं क्योंकि कंपनी ने सच में रिटेल सेगमेंट में हम सबको निराश किया है। देखिए बारिश भी होने लगी, बारिश की जाए लगता है गाना, क्या कहें। रिजल्ट ऐसा आया है कि इसमें थोड़ा सा ना पॉजिटिव मिर्चा ढूंढना पड़ रहा है। एक समय ऐसा रिजल्ट आ जाता है रिलायंस का कि हमको सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही लगता है, और एक समय ऐसा रिजल्ट आ जाता है कि हमको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है। पॉजिटिविटी यही है कि ऑन पेपर रिलायंस ने हमको निराश उतने भयंकर तरीके से नहीं किया, क्योंकि रिलायंस एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए यहाँ पर हमको एक डेंट देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस में। और अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो नीचे एवरेज करने के बारे में सोचिएगा। रिजल्ट मुझे एवरेज लगा है, अच्छा नहीं लगा। इवन मैं इसको नेगेटिव कैटेगरी में ही रखूंगा क्योंकि मुझे जियो से काफ़ी उम्मीदें थी, वहां पर परफॉर्मेंस बेटर होने की उम्मीद थी। पिछली बार इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, काफ़ी सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए थे, उसके बावजूद भी आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इनका नहीं बढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। अब आप एक शेयर होल्डर नहीं हो, आप इस कंपनी के रिजल्ट को कैसा देखोगे? देखिए रिलायंस ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ है और काफ़ी समय से एक जोन में है, तो आप एक गिरावट का इंतजार कीजिए। वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी यहाँ से दिखेगी कि रिलायंस जियो की परफॉर्मेंस ऑन पेपर ठीक है, O2C की परफॉर्मेंस ऑन पेपर ठीक है, रिटेल जब सुधर जाएगा तो ये कंपनी भाग जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी को खूब सारी मिली हुई है, तो उस बेस पे आप इस कंपनी को नीचे के लेवल पे एक्युमुलेट कर सकते हो। ये रिजल्ट मेरे लिए बिलो एवरेज है, मुझे नहीं पसंद आया उतना। आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, तो आप सब जो भी डिसीजन लीजिएगा स्मार्ट तरीके से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है आपको बताने का। बाकी अगर ये स्टॉक मुझे पिवट पॉइंट के हिसाब से 1920-1930 रुपए के आसपास मिलता है, वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, नॉर्मल बेस वाला सपोर्ट भी आप देख सकते हो, एक्युमुलेशन जोन भी है, तो काफ़ी बेहतरीन लेवल वो बनकर आएगा। एक उसके बाद के जो लेवल्स हैं वो आपको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। आपको कैसा लगा रिजल्ट आप जरा सा बताइएगा। मुझे ये रिजल्ट नहीं पसंद आया, मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिविटी ढूंढनी हो तो उसको आपको ढूंढनी पड़ेगी, नेगेटिविटी है रिजल्ट में और वो साफ साफ हमको बाजार के कन्विक्शन में भी दिख रहा था। बाजार को नहीं पसंद आने वाला था रिजल्ट, ऐसा हमको लग रहा था और ऐसा हमको चार्ट पर दिख भी रहा था। अब क्या ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता इस रिजल्ट के बाद? ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक भाग जाए ऊपर, क्यों? पॉसिबिलिटी है इसकी, भले 25% हो लेकिन है। क्यों है ऐसी पॉसिबिलिटी? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेशन अच्छे रिजल्ट की थी नहीं। रिलायंस ने हमको नेक टू नेक लगभग ठीक ठाक रिजल्ट दिया है, ठीक है, एवरेज का रिजल्ट दिया है। लोगों को एक्सपेक्टेशन अगर बुरी रही होंगी, बड़े प्लेयर्स को बुरी एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, तो वो यहाँ पर अपना शॉर्ट्स काट लेंगे। उनको लगेगा अब स्टॉक और नीचे नहीं जा सकता, और यहाँ पर जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो स्टॉक ऊपर भाग सकता है। फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और उस केस में स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे प्रेशर स्टॉक को झेलना ही पड़ेगा इस रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर ऑनी पौनी तरीके से खरीदारी मत कीजिएगा, अलर्ट मोड में तरीके से खरीदारी कीजिएगा। वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। चैनल पसंद आया तो नीचे लाल बत्ती बंद करके जाइएगा। नमस्कार। आपको कैसा लगा रिजल्ट जरा नीचे कॉमेंट करके बताकर जाना। नमस्कार।